कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम मंगलवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गयी। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ली। वे लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह के खिलाफ गठबंधन की प्रत्याशी होंगी और 18 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित नेट्रोडम कैथेड्रल में सोमवार को आग लग गई। इससे कैथेड्रल का शिखर पूरी तरह जल गया। दमकल कर्मियों ने 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ओडिशा के संबलपुर, छत्तीसगढ़ के कोरबा और भाटापारा में चुनावी रैली को संबोधित किया। मोदी ने भाटापारा में कहा कि 2014 में जो वोट मोदी के खाते में आए उसी का परिणाम है कि देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब आपका वोट देश और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को केरल के चुनावी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने यहां पथानमथिट्टिका में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्हें पीएम नहीं चौकीदार कहिए, लेकिन सवाल ये है कि चौकीदार है कौन। मोदी ने भारत के लोगों का वोट लिया और चौकीदार बन गए अनिल अंबानी के, लेकिन जब लोकसभा में उनसे सवाल किया जाता है तो वह चुप्पी साध लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर वुमन, सेंट्रल वक्फ काउंसलिंग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन टेरी गो ने कहा है कि इस साल भारत में बड़े पैमाने पर आईफोन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। फॉक्सकॉन एप्पल के सबसे ज्यादा हैंडसेट असेंबल करता है। लंबे समय से उसका फोकस चीन में आईफोन बनाने पर रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच विवादास्पद बयानों को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद रैलियों में नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। अब कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने बिहार के कटिहार में एक विवादित बयान दिया है। सिद्धू ने जनसभा में मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है, जिसके बाद अब भाजपा सिद्धू की शिकायत चुनाव आयोग से करने जा रही है। नेताओं के आपत्तिजनक भाषणों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संतुष्टि जताई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि लगता है चुनाव आयोग को उनकी शक्तियां वापस मिल गई हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट को किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जवाहरलाल नेहरू रोड पर देश की सबसे ऊंची इमारत द 42 चौरंगी बनकर तैयार हो गई है। 65 मंजिला इमारत द 42 की लंबाई 268 मीटर है। इसमें देश की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत का खिताब मुंबई की इंपीरियल बिल्डिंग से छीन लिया है। इमारत के सामने बड़ा मैदान है और इससे आगे हुगली नदी बहती हुई दिखती है। मॉनसून के लगभग सामान्य रहने के अनुमान और तिमाही नतीजों के सीजन के शानदार शुरुआत में मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मंगलवार को 370 अंकों की छलांग के साथ 29,275 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 97 अंक की बढ़त के साथ 11,787 अंक के नए उच्च स्तर पर बंद हुआ।